हाँ जी भाई, वेरी गुड इवनिंग। हुआ क्या स्टार्ट? वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ना लिंक शेयर हुई है कि नहीं पहले तो व्हाट्सएप पे देखना पड़ेगा। चलिए भाई एक ही मिनट। हाँ यस हाय, वेरी गुड इवनिंग। तो भाई अपने को एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं, चिंता ना करें। हाँ वी आर अबाउट टू सॉल्व एमसीक्यूज ओनली। हाँ यस, अपना सिलेबस तो एनीवेज हो चुका है, अब जो बचा आपका मैराथन एंड ई बुलेटिन वगैरह बचा हुआ है। एक ही मिनट, अरे इन्होंने नाम गलत डाला है लेक्चर का, मैं एक बार फटाक से ठीक कर लेता हूँ। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल सलाम। चल भाई करेगा शुरुआत, बताइए। तो कल देखिए हमने जो यहाँ पर कुछ 80 एमसीक्यूज करके थे, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने अराउंड लगभग लगभग यहाँ पर 80 एमसीक्यूज अपने कंप्लीट कर परफेक्ट। अब हम आगे के स्टार्ट करें ना, अब जो है हम आगे के स्टार्ट करें अगर आपकी इजाज़त हो तो। ओके डन, परफेक्ट। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 तक किया था, लास्ट आपने किया था भाई विच। जुपिटर, तो इसमें हम क्या था? अपना चैप्टर नंबर 1 संडे वगैरह सैटरडे को हो जाएगा। ओके परफेक्ट, क्लियर। वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है? वॉइस में दिक्कत जा रही है क्या? इसके पहले भी जा रही थी क्या? वॉइस में दिक्कत इसके पहले भी जा रही थी क्या, मुझे बताइए। एक मिनट में सुन लेता हूँ ना, जस्ट लेट मी चेक, एक बार चेक करें तो क्या दिक्कत जा रही है। अभी तो ठीक है ना, माइक इशू हो रहा है क्या? अभी ठीक है, मेरे इसमें तो ठीक चल रहा है यार, है ना? मेरे इसमें तो एकदम एकदम ठीक चल रहा है, ठीक है ना? मैनेजेबल है कि नहीं बताइए? अगर मैनेजेबल है तो फिर आगे चलते हैं, अगर मैनेजेबल है तो फिर आगे चलते हैं। हाँ कि ना बताइए, मैनेजेबल है? बताइए फटाक से, मैनेजेबल है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अभी ठीक है, परफेक्ट है। ओके चलिए, शुक्रिया। चलो देखो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर आपका आ जाएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 80 था, तो उसमें मैंने बोला था कि भाई मार्स एंड जुपिटर के बीच में है ना कौन सा नेशन यहाँ पर जो एस्टेरॉयड ढूंढ रहा है, तो ये आपका यूएई। परफेक्ट, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि हु हैज बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपीज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, है ना? तो यहाँ पर हो है ना यूपी का, है ना यूपी का जो है यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? सोनू, अजय, सनी, कंगना। तो भाई बहुत ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर बनाया था कंगना रनौत को, ठीक है? बड़ी ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसको, तो कंगना रनौत को। ओके चलिए, हाँ ना रूपाली मैंने आपको बताया, शायद आपने सुना नहीं। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, तो यहाँ पर बोला है विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन एनएवी ई कैश कार्ड फॉर द इंडियन नेवी टू रिमूव कैश डिपेंडेंसी व्हेन द शिप इज एट हाई सीज। यहाँ पर नेवी वालों के लिए यहाँ पर स्पेशल कार्ड जो बनाए हैं, है ना, नेवी वालों के लिए जो यहाँ पर स्पेशल कार्ड बनाए हैं वो किसने बनाए?
तो यहाँ पर बनाए आपके है ना SBI ने, ठीक है, यहाँ पर किसने बनाया, तो यहाँ पर बनाया आपके SBI ने, ओके परफेक्ट। चलिए अब यहाँ बोल रहे क्या सोच के, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए देखो एक्चुअली यहाँ पर 13 ब्रिक्स समिट जो है ना इसके थे, तो ये थे मोदी पुतिन जेर या जिनपिंग, जिनपिंग तो आपके थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। 13th ब्रिक्स समिट जो था आपका, सौम्या गुर्जर में LLB कर रही हूँ, मेरी अगस्त में एग्जाम है, बधाई हो आपको सौम्या गुर्जर, बहुत बहुत। चलिए तो यहाँ पर 13th ब्रिक्स समिट जो है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया, बेबी रानी मौर्य हैज रिजाइंड एज गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन से वाले इससे है ना गवर्नर, एज अ गवर्नर इन्होंने रिजाइन किया था, तो यूपी, MP, उत्तराखंड, हरियाणा, तो उत्तराखंड, ठीक है, इन्होंने रिजाइन किया था यहाँ से उत्तराखंड से। वॉइस लैग है, लैग चला लो काम, लैग में दिक्कत नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, एक मिनट ना मैं ऊपर चेक करता, इसके पहले भी ऐसा होता है क्या, मैंने इसके पहले भी ऐसा हो रहा था क्या, कि अभी अभी हो रहा है बस, चलिए है ना, सुनिए तो है ना अभी हो रहा है, अभी ठीक है, बीच बीच में हो रहा है ना, एक्चुअली क्या ऊपर वाला क्लास है तो उसमें कुछ तो शायद कुछ तो इंटरकनेक्टेड हो रहा है, उस कारण दिक्कत जा रही है, बट ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी आवाज़ जो है वो चल रही है ना, मतलब मैनेजेबल है। तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है, हु बिकेम द IAS ऑफिसर टू विन पैरालंपिक मेडल, है ना, वॉज द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू विन पैरालंपिक मेडल, तो ये किसने जीता था, तो ये था आपके सुहास याथीराज, ठीक है, तो यहाँ पर याथीराज थे, सुहास याथीराज, ये पहले IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने पैरा है ना पैरालंपिक मेडल जीता हुआ है, डन परफेक्ट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला देखिए, तो आपको दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86, तो फॉर्मर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द इंडियन स्टेट, यहाँ पर रजनीश कुमार जी को हमने कौन से वाले स्टेट के लिए अपॉइंट किया था, MP, कर्नाटक, आंध्र या तेलंगाना, तो ये थे आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर रजनीश कुमार जी को हमने इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया था, किसका, तो आंध्र प्रदेश का, परफेक्ट, क्लियर है, ओके। देन नेक्स्ट आप देखिए, तो आपको बोला गया है विच इंडियन स्पेस क्राफ्ट हैज कंप्लीटेड 9000 ऑर्बिट्स अराउंड द मून, है ना, कौन से स्पेस क्राफ्ट ने यहाँ पर मून के 9000 चक्कर, तो चंद्रयान 2, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो चंद्रयान 2, सिद्धार्थ लिमन, है ना, चलिए तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर 9000 ऑर्बिट्स अराउंड द मून, तो ये है आपका चंद्रयान 2, परफेक्ट है, क्लियर है। देन नेक्स्ट आप देखिए, तो यहाँ पर विच 3 नेशंस हैव बीन एडमिटेड एज द न्यू मेंबर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के यहाँ पर अपने पास जो है 3 न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, कौन कौन से हैं, है ना, तो ये हैं आपके UAE, बांग्लादेश एंड उरुग्वे, तो इसका आंसर है बी, है ना, इसका आंसर बैठेगा बी, क्या बताया यार ऊपर आ रहा है, तो तूने सिस्टम सेम रखा है क्या अपना, यही डब्बा लगाएगा तूने, इसलिए तो फ्रीक्वेंसी मैच हो रही होगी मेरे ख्याल से, हाँ फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा, या तो ऊपर का या तो इधर का, अब वो अपने नहीं पता अपने पता हो तो अपन पढ़ाना छोड़ देते। चलिए फिर से सही नहीं आ रही आवाज़, फिर से वॉइस में दिक्कत आ रही, देख ऐसे क्यों, अब क्यों, अब तो तू कुछ कर भी नहीं, ऊपर कुछ चल रहा है क्या काम वॉइस का, क्या क्या इसका, तो मेरे को नहीं लगा क्योंकि बीच बीच में हो रहा है, पता नहीं, एक बार लगा के देखना पड़ेगा।
चलिए भाई सुनिए, तो यहाँ पर आपको दिया गया था 88, तो विच थ्री नेशंस हैव बीन एडमिटेड एज न्यू मेंबर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये था आपका यूएई, बांग्लादेश एंड उरुग्वे। ठीक है, डन, परफेक्ट, क्लियर है। हाँ चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये सब ना आपके पुराने ई बुलेटिन के क्वेश्चन यहाँ पर छाप के रखे। यहाँ पर आपको बोला है कि डॉक्टर है ना, डॉक्टर फिरदौसी कादरी वॉज नेम्ड एज वन ऑफ द फाइव विनर्स ऑफ 63rd है ना रेमन मक्सेसे अवार्ड्स, शी बिलोंग टू विच नेशन, तो यहाँ पर फिरदौसी कादरी जो है ये कौन से नेशन की थी, तो ये थी बांग्लादेश की। ठीक है, तो ये थी बांग्लादेश की। विनय कह रहे ब्लू की जगह पर्पल पहनते तो और सही लगते, ब्लू नहीं है भाई, ब्लैक है, कार्बन ब्लैक है, ब्लू क्यों दिख रहा है आपको पता नहीं। चलिए ऊपर ये क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 90, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन गोल्ड एट द पैरालंपिक्स, यहाँ पर पहली इंडियन वुमन जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड जीता, इनका नाम है अवनी लेख हारा। तो भाई पहली इंडियन वुमन है तो ये हारेंगी नहीं, मतलब पहली इंडियन वुमन है तो हारेंगी नहीं, तो इसमें आपका अवनी लेख हारा। डन, परफेक्ट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है विच स्टेट लॉन्च स्टीव है ना सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम, है ना कौन से यहाँ पर स्टेट ने जो है लॉन्च किया है सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम, तो ये था आपका गोवा। ना ऐसे अतरंगी काम गोवा ही कर सकता है ना, ऐसे एकदम हटके काम जो है आपका गोवा ही कर सकता है, गोया ही कर सकता है, तो गोया यहाँ पर जो है आपका आंसर है। देन है ना, डन। देन नेक्स्ट आपको दिया गया है दी बीएच सीरीज नंबर प्लेट्स वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम विच डेट, तो यहाँ पर जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं है ना, जो हमारे हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं है ना, उन्होंने बीएच सीरीज मतलब भारत सीरीज वाली नंबर प्लेट लॉन्च की थी। ठीक है, तो ये कब से की थी है ना, सितंबर 15, 2021 से, तो ये कब से लॉन्च की थी भाई, तो 15 सितंबर 2021 से। क्लियर है। सौम्या आपने क्या भेजा है बेटा, सौम्या इंस्टेड ऑफ मल्टीपल मैसेजेस आपका डाउट भेज दो सौम्या, सौम्या बार 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 मैसेज भेजने से अच्छा आपका डाउट भेजो है ना, बताइए बताइए करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने क्या पूछा था है ना। करेक्ट है, तो यहाँ पर 92 का आपका आंसर है, 15 सितंबर 2021 मतलब बी। डन, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 93 में हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू सीएम ऑफ गुजरात, भाई गुजरात के न्यू सीएम कौन है, नितिन, भूपेंद्र, मनसुख है ना या आनंदीबेन, तो ये है भूपेंद्र पटेल। यहाँ पर गुजरात के न्यू सीएम है जिनका नाम है ना भूपेंद्र पटेल। बीएच सीरीज मतलब भारत सीरीज, बीएच सीरीज मतलब भारत सीरीज, ये ऐसी नंबर प्लेट है जो आप किसी भी स्टेट में गाड़ी लेके जा सकते हो है ना, नहीं तो आपका एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे नंबर होते हैं ना एमपी, एमएचआरजे, तो उसकी जगह आपका बीएच रहेगा, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 94 वाला आप देखिए, तो यहाँ पर आपको दिया गया सीनियर बीजेपी लीडर कल्याण सिंह पास्ड अवे एट 89, ही सर ट्वाइड एज सीएम ऑफ विच स्टेट, तो यहाँ पर कल्याण सिंह कौन से स्टेट के सीएम थे दो बार, तो ये थे आपके यूपी के। ठीक है, तो ये थे आपके यूपी के। आप एलएलबी कर रहे हो, आपके करंट अफेयर्स के लेक्चर देखोगे तो चलेगा ना, नहीं आपके भाई पढ़ो, इससे कोई संबंध नहीं आपका। ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 95, तो विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना, तो भाई चाइना के बाद किसका नंबर है, हमारी नंबर है ना, सी सीधी बात है, चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद हम लेके बैठे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा चाइना में होती है, उसके बाद हम सस्ता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपका नाम है कौन सा, तो वो है आपका इंडिया है ना, आफ्टर चाइना जो बनने वाला है वो है आपका इंडिया। ठीक है, तो मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा सा, तो आपको जो है प्रॉपर थोड़े से है ना ये दिख जाएंगे, मैं थोड़ा स्क्रीन सेटिंग चेंज करता हूँ तो मुझे समझेगा कि आपको प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। ओके चलिए भाई देखिए, अब नेक्स्ट है आपका है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई आवाज़ में क्या दिक्कत है, बट मैनेजेबल है तो प्लीज़ चला लो। देखिए तो अब आपको यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 96 है ना, अब आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, अब आपको जो है स्क्रीन दिख जाएगी, चिंता मत करो। तो 96 में आपको देखो क्या बोला है, तो 96 में आपको क्या बोला है, आरबीआई इज इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, व्हाट इज द बेस ईयर, ये तो आप पढ़ चुके हैं है ना, आपका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, ठीक है, इसको आरबीआई ने लॉन्च किया था, इसका बेस ईयर क्या है, तो इसका कोई भी बेस ईयर नहीं है,
अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर इसका जो है कोई भी बेस ईयर नहीं है. डन, तो आंसर इज डी. देन क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, तो विच नेम हैज इंडिया गिवन, है ना. तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं विच नेम हैज इंडिया गिवन टू इट्स ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम अफगानिस्तान. तो भाई यहाँ पर अफगानिस्तान से लोगों को छुड़वाने के लिए जो हमने नाम दिया था वो था आपका ऑपरेशन देवी शक्ति. तो ये सारे के सारे आपको पुराने ई बुलेटिन में मिलेंगे, ठीक है. तो ये ऑपरेशन देवी शक्ति, थोड़ा जूम करिए और, कितना जूम करेंगे भाई, है ना. खुशी रूपानी एकदम बढ़िया है, ठीक है. तो यहाँ पर आपके ऑपरेशन देवी शक्ति, डन, परफेक्ट है. चलिए यहाँ पर है दी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश जीन बैंक हैज बीन एस्टेब्लिश इन विच नेशन. तो यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक इन्होंने कहाँ पर बनाया था, है ना, 98 में तो उन्होंने बनाया था भाई इंडिया में, ठीक है. तो यहाँ पर जो सेकेंड लार्जेस्ट इन्होंने जीन बैंक बनाया था, ये बनाया था इन्होंने इंडिया में. इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करवाना, वैसे इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करवाना. तो अफगानिस्तान से हम लोग छुड़वा के ला रहे थे. डन, चलिए. देन आरबीआई का फर्स्ट एनुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2021 का क्या है, तो ये तो आपने पढ़ा था, है ना, 53.9. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो आपको लेटेस्ट वाला दिया गया था, है ना, पूजा, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, तो यह 53.9. डन, परफेक्ट. देन आपको दिया गया 100 में, है ना, हु वॉज, है ना, वॉट वॉज द थीम फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2021. तो यहाँ पर अपनी जो थीम क्या थी 2021 के इंडिपेंडेंस डे की, तो वो थी आपकी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है, वो थी आपकी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है, वो थी आपकी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट. ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया वंशिका वशिष्ठ, हेलो. नेक्स्ट आपको दिया गया विच स्टेट होस्टेड इन्वेस्टर समिट ऑन August 13, 2021. तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टर समिट हुआ था वो कौन से स्टेट में हुआ था 13 अगस्त 2021 को, तो ये हुआ था आपका यहाँ पर गुजरात में. और यहाँ पर जो इन्वेस्टर समिट आपका हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था गुजरात में. कशिश रूपानी जी उड़ जाते हो क्या सुबह सुबह जल्दी वापस, है ना, बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बोल के रखा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लान्स टू बिड फॉर क्रिकेट्स इंक्लूजन इन विच एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स. हम चाहते हैं कि ओलंपिक में अब क्रिकेट भी हो, एंड ये कब से हम प्लान कर रहे हैं, तो 2028 से, 2028, है ना, 2028, मतलब आंसर इज बी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स. देन है ना आपको दिया गया यहाँ पर 103, तो यहाँ पर बोला है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन एथलेटिक्स एंड टोक्यो ओलंपिक्स 2020. तो यहाँ पर जो है पहला गोल्ड किसने जीता था, तो ये तो सबसे फेमस नाम है, तो नीरज चोपड़ा, हाँ नीरज भाई ने यहाँ पर जीता था, परफेक्ट है. देन इंडियाज टोटल मेडल टैली स्टूडेंट हाउ मच एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020. तो 2020 मतलब जो 2021 में आपके यहाँ पर ओलंपिक्स हुए थे, यहाँ पर इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे, तो ये थे 7, है ना, इंडिया ने यहाँ पर टोटल जो है 7 मेडल यहाँ पर जीते थे, ठीक है. देन यहाँ पर जो ब्रो है, ब्रो बोले तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन विच स्टेट यूनियन टेरेटरी. तो यहाँ पर ब्रो ने सबसे ऊपर जो है ना चलाने लायक रोड जो बनाया है, है ना, वो कहाँ पर बनाया है, लद्दाख, सिक्किम, जम्मू, तो ये लद्दाख, ठीक है. तो कहाँ पर बना के रखा है इन्होंने, तो इन्होंने बना के रखा है भाई लद्दाख में, परफेक्ट है. तो इन्होंने वर्ल्ड्स, है ना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन्होंने बनाया कहाँ पर, तो इन्होंने बनाया लद्दाख में. एकदम डन, एकदम क्लियर है, बहुत ही बढ़िया. चलिए नेक्स्ट आपको बोल के रखा है 106 में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी. तो ये भी आपको पता ही है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो. तो यहाँ पर पेमेंट का डिजिटल सॉल्यूशन जो निकाला है उसका नाम है ई रूपी. आंचल श्रीवास प्राउड ऑफ यूर, ऐसे आपको जो है एग्जाम में सारे आंसर याद आए. चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको दिया गया हु ओवरटुक जेफ बेजोस टू बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एज पर द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट 2021. तो यहाँ पर 2021 में, है ना, जो रियल टाइम लिस्ट होती है, रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट, उसमें जेफ बेजोस मतलब अमेजोन वाला, है ना, अमेजोन वाले दद्दू जो हैं, है ना, उनका नाम है जेफ बेजोस. तो इनसे भी रिच कौन बन गया था, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट, ठीक है. तो कौन है, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट, इसका आंसर है सी. ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज़ बीन रिक्रिश्चन टू ऑनर विच इंडियन स्पोर्टिंग लेजेंड.
तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम हमने बदल के कर दिया था ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। प्रतिमा कह रही है कि आपको सारे एमसीक्यूज पता है कि आंसर मार्क करके रखें, मेरे करवाए हुए हैं पहले बेटा, है ना, थोड़ी मैं न्यूज़ भी देख लेता हूँ, थोड़े मेरे पहले करवाए भी हुए हैं ना, कहाँ पर आपको मार्किंग दिख रही है, हद मचा रहे हैं। चलिए देखिए, है ना, नेक्स्ट आपको दिया गया है ना, व्हेन इज अयोध्याज ग्रैंड राम टेम्पल एक्सपेक्टेड टू बी ओपन फॉर डिवोटीज, तो यहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो लोगों के लिए कब खोला जाएगा, तो दिसंबर 2023 में, है ना, दिसंबर 2023 में। ओके देन नेक्स्ट आपको बोल के रखा है, इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक का जो हमको पहले पता चल जाना चाहिए किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है सिक्किम ने, ठीक है, यहाँ पर आपके, अच्छा सॉरी, है ना, सिक्किम नहीं है ना, सिक्किम, आसाम, गुजरात, उत्तराखंड, तो ये है उत्तराखंड ने किया था, सिक्किम ने नहीं किया था, मैंने आपके लॉन्च किया था उत्तराखंड ने, ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग जो ने लॉन्च किया था, इन्होंने किया था उत्तराखंड ने, ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है ना, नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस एजुकेशन एम्पावरमेंट फंड, तो यहाँ पर एजुकेशन एम्पावरमेंट फंड जो है ये कौन से वाले सीएम ने अनाउंस किया था, तो इनका नाम था आपका आसाम, केरल, उत्तराखंड या फिर यूपी, तो ये शुभ काम किया होगा केरल ने, है ना, तो ये किया है आपके केरल ने, ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड जो किया था वो किया था आपके केरल ने। हाँ जी मान्या जी, आईसीएसए के पहली पहली बार है, हद मचा रहे हैं, सही बात है, ओहो इतना बड़ा एमसीक्यू। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया 112, यहाँ पर आपको दिया गया 112, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, भाई इसमें से करेक्ट कौन सा है देख लेते हैं, है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम विच इज द नेशनल डेटा बेस ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, ये एकदम सही लिखा है। देन यहाँ पर CCTNS एम्स टू कनेक्ट ऑल पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, ये भी एकदम सही लिखा है। एंड यहाँ पर बोला है आधार लॉ प्रोवाइड्स यूज ऑफ इट्स डेटा बाय एनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन इंडिया, तो ये गलत लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या सही लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, इसमें 1 and 2 दोनों सही है, है ना, 1 and 2 इसमें दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट, डन। चलिए फिर, है ना, 113 इसमें भी बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, इसमें भी आपको पूछ कर रखा है कौन कौन सा सही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट पार्लियामेंट कैन ब्रिंग नो लॉ दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजंस, ये एकदम सही लिखा है ना, ऐसा कोई भी आप कानून नहीं ला सकते जिसके फंडामेंटल राइट लोगों के वायलेट हो। देन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट दैट गारंटीज राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये एकदम सही लिखा है। देन इन द पुट्टा स्वामी केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट कैन कलेक्ट फिंगरप्रिंट्स एंड स्कैन फॉर वेलफेयर स्कीम्स, ये भी एकदम सही लिखा है, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर सही कौन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो ऑल थ्री आर करेक्ट, तो आंसर आपका रहेगा डी, दैट इज 1, 2, 3, आपका आंसर रहेगा 1, 2, 3, तो ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है चलिए नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी द टर्म फॉर एस्टेब्लिशमेंट हैविंग फॉर्मल एग्जिस्टेंस बट विथ क्लोज टू नो ऑपरेशंस और एसेट्स इज कॉल्ड एज, है ना, तो यहाँ पर जो है इन द इकोनॉमी द टर्म फॉर एस्टेब्लिशमेंट्स हैविंग फॉर्मल एग्जिस्टेंस बट विथ नो क्लोज ऑपरेशंस, है ना, नो क्लोज टू नो ऑपरेशंस और एसेट्स इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज योर घोस्ट कंपनी, है ना, ऐसे कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ऐसा कोई समझो कि बिजनेस है, है ना, जो है तो सही लेकिन उसमें कुछ काम नहीं होता है ना, जो है तो सही लेकिन उसमें कुछ काम नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं घोस्ट कंपनी, भूतिया कंपनी, सिर्फ और सिर्फ आपने नाम के लिए बना के रखी है, डन। देन नेक्स्ट आपको बोल के रखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द टर्म टैक्स क्रेडिट, है ना, टैक्स क्रेडिट यहाँ पर जो है कौन आपको बता के रखता है ना, देख लेते हैं स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टैक्स क्रेडिट, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रेडिट गिवन बाय बैंक सच एज एजुकेशन लोन्स, नहीं ये गलत लिखा है। नेक्स्ट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम अ टैक्स पेयर एज ऑन टैक्स, तो ये नहीं है, सरचार्ज होता है। इट इज़ अ सम दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल टैक्स पेबल बाय एन इंडिविजुअल, ये सही लिखा है। एंड इट इज़ रिवॉर्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो नहीं, तो इसका आंसर आपका बैठेगा सी, ठीक है। तो टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर अपना टैक्स आता है 1 लाख रुपये का, टैक्स क्रेडिट का मतलब कि अगर अपना टैक्स आता है 1 लाख रुपये का, अगर हम ऑलरेडी 20,000 पे कर चुके हैं,
अगर हम पहले ही 20,000 पे कर चुके हैं और हमारा टोटल 1 लाख आया है, तो हम वो 20,000 हटा के सिर्फ 80,000 रुपये पे करेंगे, मतलब बचा हुआ पे करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड एज, दिस 20,000 इज कॉल्ड एज योर टैक्स क्रेडिट। ओके, ये जो आपका 20,000 है इसको हम नाम देते हैं क्या, तो इसको हम नाम देते हैं टैक्स क्रेडिट। ठीक है, डन, परफेक्ट, क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है ना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एयर इंडिया चेयरमैन। तो एयर इंडिया के चेयरमैन हमने किसको अपॉइंट किया था, तो ये एन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया के चेयरमैन हमने किसको अपॉइंट किया था, तो हमने अपॉइंट किया था एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, परफेक्ट। देन हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लेमिंग 250 विकेट्स इन वुमेन्स ओडीआई। ओह, मैंने यहाँ पर वुमेन्स ओडीआई में यहाँ पर जो है 250 विकेट्स लेके जो है अपना नाम जो है रोशन किया है, इनका नाम है झूलन गोस्वामी। ठीक है, झूला झूल झूल के इन्होंने जो है 250 विकेट्स ले लिए, तो इनका बहुत ही नाम रोशन हो गया, तो इनका नाम है झूलन गोस्वामी। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। देन नेक्स्ट आपको बोला है व्हाट इज इंडियाज करेंट पोजीशन इन दी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल 2021-22। तो ये तो रिपीट हुआ है, मैंने ये तो आप पहले भी देख चुके हो, तो ये आपका आया है थर्ड, मैंने ये आप पहले भी देख चुके हो। तो व्हाट इज द इंडियाज करेंट पोजीशन, सरचार्ज मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, कृष्णकांत सरचार्ज मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। यहाँ पर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ना, इसमें जो इंडिया का पोजीशन था 2021-23 पूछा है, तो ये आपका थर्ड, परफेक्ट, बधाई हो। देन विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड हाईकोर्ट ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत है ना, तो यहाँ पर कौन सी है ना, किसने यहाँ पर ई लोक अदालत पहली पहली बार रखी थी, तो ये था आपका छत्तीसगढ़ है ना, पहला ऐसा MCQ जिसमें जो छत्तीसगढ़ का भी नाम आया है ना, काफ़ी महीनों के बाद मैं देख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है ये किसने किया था, फर्स्ट ई लोक अदालत, तो ये किया था छत्तीसगढ़ ने। ओके, चलिए, देन वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया वॉज लोकेटेड इन विच सिटी है ना, योगा यूनिवर्सिटी इंडिया के बाहर हमने बनाई थी लॉस एंजलिस में। इंडिया के बाहर जो हमने बनाई थी फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, ये हमने बनाई थी लॉस एंजलिस में। ठीक है, जहाँ पर आप एंजल्स के साथ लॉस्ट हो जाओगे अगर आप योगा करोगे तो। चलिए, विनय कह रहा है जिसका ऑप्शन गुजरात है उसका आंसर भी गुजराती है, ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं पर आपको अलग भी मिलेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट आपको बोल के रखा है नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB के यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे अशोक लवासा। ठीक है, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था आपका अशोक लवासा, परफेक्ट। देन नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हेड क्वार्टर्स इज सिचुएटेड एट, तो ये जो आपका IRDA है ना, इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में। ठीक है, IRDA का जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, तो वो आपके हैदराबाद में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया नासा हैज़ पार्टनर्ड विथ विच एरोस्पेस स्टार्टअप टू लॉन्च फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द स्पेस स्टेशन। यहाँ पर नासा ने लॉन्च किया था है ना एरोस्पेस स्टार्टअप टू लॉन्च द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन, तो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन जो था है ना इसके लिए जो है ना इसके लिए जो है आपने किसके साथ टाइप किया था, SpaceX, एक्सोडक्स, बूम है ना, एक्सियोम, तो एक्सियोम, तो हमने किसके साथ यहाँ पर टाइप किया था, तो एक्सियोम के साथ हमने टाइप किया था। ठीक है, डन, परफेक्ट है, क्लियर है। चलिए देन नेक्स्ट आपको बोल के रखा है कि विच ऑफ दीज फादर एंड सन पेयर्स हैव बोथ सर्व्ड एज यूनियन मिनिस्टर, तो कौन कौन यहाँ पर जो है बाप बेटे यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो है ना वेद प्रकाश, पीयूष गोयल, संजय, वरुण गांधी, रामविलास, चिराग एंड शेख एंड फारूक, तो ये वेद प्रकाश एंड पीयूष गोयल। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर दोनों रह चुके हैं, तो वो है आपके वेद प्रकाश एंड पीयूष गोयल, परफेक्ट, क्लियर। और पीयूष गोयल का तो नाम तो आपको पता ही है एनीवेज, और पीयूष गोयल का नाम तो आपको एनीवेज पता ही है। देन विच ऑफ द स्टेट्स हैड 3 सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स विद द सरनेम रावत, है ना, तो यहाँ पर जो है ना 3 सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स हैं ना जिनका सरनेम रावत रह चुका है, तो ऐसे कौन से स्टेट में हुआ था, तो हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड एंड UP, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में 3 मिनिस्टर्स है जिनका यहाँ पर जो है सरनेम था वो था रावत। ठीक है, डन, परफेक्ट
ना टेक टेक वजीर है ना, आप जो है ना उसको रिफ़्रेश कर लो तो आपको सही नाम आ जाएगा, है ना, आप लोगों ने रिफ़्रेश नहीं किया होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देन क्वेश्चन नंबर 126 है ना, क्वेश्चन नंबर 126 से आपका, सुकुमार सेन वॉज फर्स्ट एंड सुशील चंद्रा इज द मोस्ट रिसेंट होल्डर ऑफ विच पोस्ट इन इंडिया। यहाँ पर सुशील चंद्र एंड सुकुमार सेन है ना, इन्होंने जो है फर्स्ट एंड लेटेस्ट वाला कौन सा इनका पोस्ट है, तो ये आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ना, ये कौन, तो इन्होंने कौन सा यहाँ पर पोस्ट होल्ड किया है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। परफेक्ट है, देन विनय गोयल पैसे लगते हैं उसके। चलिए देन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली। यहाँ पर आरबीआई का जो हमने गवर्नर रिसेंटली बनाया था, तो ये हमने बनाया था टी रविशंकर को, ठीक है, आरबीआई का जो हमने गवर्नर बनाया था रिसेंटली, वो हमने किसको बनाया था, टी रविशंकर को। तो आपको पढ़ते पढ़ते ये फोकस रखना है कि भाई आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ अपन जो है यहाँ पर टिक टिक नहीं मार रहे हैं, आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएं। चलिए यहाँ पर जो है, फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर। सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए वीडियो केवाईसी फैसिलिटी आपके दी थी कोटक महिंद्रा बैंक ने, और ये दी थी आपकी कोटक महिंद्रा बैंक ने, ठीक है। देन हु इज द 14th CAG ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो सरकारी कंपनीज का ऑडिट करता है, जो सरकारी कंपनीज का ऑडिट करता है उसको अपन CAG कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 14th वाला CAG कौन था, तो ये था आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। परफेक्ट, नेक्स्ट, CACET इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर CS कोर्स। CACET स्टैंड्स फॉर, हद मचा दी, ये तो आप ही बताओ, है ना, ये तो आप ही बताओ, 130 का आंसर क्या है ना, कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, तो है ना कंपनी से कॉर्पोरेट सेक्रेटरी तो हटा देते हैं, है ना, तो ये कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस है, एग्जामिनेशन है कि एग्जीक्यूटिव है ना, एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव है कि एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस है, बताओ, है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, ऐसे आना चाहिए, है ना, हद हो जाएगी, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, एग्ज़ाम में हद हो जाएगी कि जिसका एग्ज़ाम दे रहे हो उसी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आंसर है आपका ए, है ना, एग्जीक्यूटिव का एंट्रेंस टेस्ट है, बहुत ही भारी ऐसे ही क्वेश्चन आए, मेरी दुआ है, ना मेरी दुआ है आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आए। चलिए नेक्स्ट, अरे यहाँ पर दी फॉलोइंग प्लेसेस रिप्रेजेंट दी कॉन्टेम्प्रेरी 4 धाम्स ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज इन इंडिया। तो 4 धाम कौन कौन से हैं, तो आपका बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी एंड द्वारका, करेक्ट, यहाँ पर 4 धाम कौन कौन से आपके, तो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका, तो आंसर इज डी, है ना, आंसर इज डी, विनय गोयल होता है बेटा, है ना, कुछ नहीं कर सकते अपन, क्या ही कर सकते बताओ। नेक्स्ट, दी टर्म्स उदारा, मुद्रा, तारा आर रिलेटेड टू विच अमंग दी फॉलोइंग एज पर दी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। तो ये जो आपका उदारा, मुद्रा, तार वगैरह या तारा जो लिखा है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो मेडिसिन, गॉड, म्यूजिक, मिलिट्री, तो ये म्यूजिक, है ना, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपके म्यूजिक से, ठीक है, ये हीनल बड़ी चुटकियाँ बजाती है भाई चैट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 133 है ना, तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन यहाँ पर कौन है, तो उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा, तो आंसर इज ए, दैट इज अरुण कुमार मिश्रा, तो मिश्रा जी हैं ना आपके ह्यूमन राइट्स के यहाँ पर जो है चेयरमैन। ओके देन यहाँ पर आपको दिया गया, विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ब्रिक्स इन मार्च 2022। तो यहाँ पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ब्रिक्स कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका दुबई UAE में, है ना, ये आपको हुआ था कहाँ पर, तो दुबई UAE में, तो आंसर का आंसर है बी, ठीक है। देन भीम बहादुर गुरुंग पास्ड अवे इन मार्च 2022, ही वॉज द फॉर्मर CM ऑफ विच, थैंक यू मधुरा इनामदार, एंड ही वॉज द फॉर्मर CM ऑफ विच स्टेट, तो ये कौन से स्टेट के CM है, माना भीम बहादुर गुरुंग, तो ये हैं एक्चुअली आपके सिक्किम के, मानी ये आपके किसके, तो ये हैं सिक्किम के, ओके परफेक्ट क्लियर है, चलें क्या हम आगे, तो सुनिए मैंने नेक्स्ट आपको बोल के रखा है, नेक्स्ट आपको बोल के रखा है,
इन मार्च 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू गेट स्टील स्लैग रोड। तो यहाँ पर स्टील स्लैग रोड कहाँ पर लगवाया गया था, तो ये था सूरत में। और अभी देखो आशीष सर मोदी सर गए थे ना, तो वहाँ पर आपको कौन सा वाला रोड है, तो स्टील स्लैग रोड, तो ये कहाँ पर करवाया था, तो ये करवाया था सूरत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्टेड इज द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 11th डायरेक्टर जनरल किसको बनाया था, फ्रांसिस माइकल गिलबर्ट जिनी। तो ये गिलबर्ट ही होंगे है ना, गिलबर्ट आपके होंगबो, होंगबो नाम भी तो ऐसे ऐसे होते चाउमीन जैसे इनके है ना, तो कौन है इनका नाम है, तो गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, चलिए देन 138 हु टुक ओथ एज द सीएम ऑफ गोवा फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो लगातार दूसरी बार जो यहाँ पर गोवा के सीएम बने थे, तो इनका नाम है प्रमोद सावंत। मैंने इनका नाम है क्या, तो प्रमोद सावंत। मेरे बात को लेक्चर है क्या आपका, गिरगिट बोल रहे हैं, हद बचा रहे हैं। मेरे बात को लेक्चर है क्या आपको, बताइए। सुनिए, तो नेम दी कंपनी दैट पार्टनर्ड विथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू लॉन्च दी मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर डिजिटल सेवी कस्टमर्स। तो यहाँ पर जो है किसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की थी, तो ये था आपका फ़ोन पे। और ये कौन था, तो ये था आपका फ़ोन पे है ना, यहाँ पर मैम का है क्या। अच्छा चलिए, तो ये क्या था आपका, तो ये था आपका फ़ोन पे, करेक्ट है। देन इन मार्च 2022 OECD's इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ ईस्ट एशिया रिटेन चाइना एंड इंडियाज़ रियल GDP एट। मैंने तो यहाँ पर OECD के हिसाब से जो यहाँ पर रियल GDP मेंटेन होने वाला है वो है आपका 5.5%। तो 140 का आंसर है डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा डी, 5.5%। ठीक है, किसी ना किसी का लेक्चर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बधाई हो। सॉरी, चलो अब नेक्स्ट आपके यहाँ पर बोल रहे हैं 141 में हु टुक ओथ एज 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के यहाँ पर 12वें चीफ मिनिस्टर कौन बने थे है ना, पुष्कर, हरीश, विजय या एनडी तिवारी है ना, तो ये थे आपके पुष्कर। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड के 12th सीएम जो बने उनका नाम है पुष्कर। ठीक है, चलिए देन 142 है आपका हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ है ना टर्कमेनिस्तान है ना, तो यहाँ पर जो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टर्कमेनिस्तान किसको बनाया था, तो सरदार बर्दी मुआदोंडियो ऐसा कुछ तो नाम है ना, फिर आपका सर परमात नियावज है ना हान, और इसका नाम है ए, तो आपके जो सरदार है ना सरदार है ना, हमारे यहाँ पर सरदार होते हैं, तो इनके यहाँ पर सरदार हैं, तो सरदार बर्डी मुहामेदो है ना, सरदार बर्डी मुहामेदो ऐसा कुछ तो नाम है उनका। ठीक है, तो इनको जो हमने न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टर्कमेनिस्तान बनाया था, परफेक्ट। चलिए देन मार्च 2022 में विच म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च फर्स्ट डिफेंस फंड। तो ये तो आपने पढ़ा है मेरे ख्याल से है ना, फर्स्ट डिफेंस फंड यहाँ पर किसने जो लॉन्च किया था, एक्सिस HDFC, तो या HDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो ये लॉन्च किया था आपके HDFC म्यूचुअल फंड ने, परफेक्ट। देन मार्च 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टाइमलाइन टू समथिंग फ्रॉम 5 ईयर्स फॉर स्टार्टअप्स टू कन्वर्ट डेट इंस्ट्रूमेंट इनटू इक्विटी है ना, तो यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पर सरकार ने टाइमलाइन कर दिए है ना, फ्रॉम 10 to 5 ईयर्स है ना, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा फ्रॉम टाइमलाइन 2 to 10 ईयर्स फ्रॉम 5 ईयर्स, मतलब 5 साल से बढ़ा के इसका हमने टाइम लिमिट 10 साल कर दिया है। ठीक है, फिर हुआ क्या, विनय गोयल सब सही कह रहे हो, आप एकदम सही कह रहे हो, मैं आपसे सहमत हूँ लेकिन कुछ नहीं कर सकते। देखो नेक्स्ट है, अरे मार्च 2022 में RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने इनॉग्रेट किया था RBI इनोवेशन हब इन बेंगलुरु कर्नाटका। हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ RBIH, जो रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब है इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है उनका नाम है क्रिस गोपाल कृष्णन है ना, उनका नाम है क्रिस गोपाल कृष्णन, परफेक्ट है क्या है ना। चलिए देन आपको यहाँ पर भूल के रखा है कि हु इज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 146 है, तो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब पुराना पूछा है, तो ये थे आपके एन वी रमाना है ना, 48th चीफ जस्टिस जो थे वो थे आपके एन वी रमाना। ठीक है, चलिए देन
ना, अब्दुल्ला शाहिद हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन। ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच नेशन, है ना? तो कौन से नेशन के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद? तो ये मालदीव्स के, है ना? किसके ये जो है चेयरमैन है? तो ये मालदीव्स के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपको बोला है हु इज ऑथोरिटी बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, सरकार एंड लोगों को साथ में लाना, ये बुक किसने लिखी थी? तो रामचंद्र लिख सकते हैं ये। तो इनका नाम था डॉक्टर एम रामचंद्रन। ठीक है, इनका नाम था डॉक्टर, है ना, एम रामाचंद्रन। बिल्कुल भूमि इसी से आएंगे, चिंता मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2022, है ना? ब्रिक्स 2022 का यहाँ पर चेयरमैनशिप जो है किसके पास है? तो ये आपके चाइना के पास, है ना? ब्रिक्स 2022 का चेयरमैनशिप हमने दिया था चाइना के पास। ओके, देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC, है ना? पॉलिसी मेकर जनरल के यहाँ पर ऑथर कौन है? तो उनका नाम है कौशिक बासु, है ना? इनका नाम है कौशिक बसु या बासु, जो भी आपको पसंद आए वैसे आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ डन क्या, है ना? चलिए 10 और कर लेते हैं, है ना? 10 और कर लेते हैं और फिर आज के लिए रुकेंगे। चलिए नेक्स्ट आपको बोल के रखा है ना, विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ न्यू मिनिस्ट्री, नेम द मिनिस्ट्री। तो ये शायद आपको पता होगा कि अभी हमारे पास जो एक न्यू मिनिस्ट्री बनी थी लेटेस्ट वाली, वो थी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसको संभालते अमित शाह। ठीक है, न्यू मिनिस्ट्री आपकी बनी थी, है ना? न्यू मिनिस्ट्री आपकी बनी थी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसको संभालते हैं अमित शाह। परफेक्ट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द 48th G7 लीडर्स समिट 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पर 48th जी समिट जो है ना होने वाला है 2022 का, तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है जर्मनी में। तो आपको पता ही अभी हो ही रहा है, और अभी चल ही रहा है, नरेंद्र मोदी इसमें गए, आपने देखा ही होगा। हाँ, तो कहाँ पर हो रहा है ये? जर्मनी में। प्रकाश बोल रहा है आज से पढ़ूँ तो पास हो जाओगे? हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे, क्यों नहीं होगे। चलिए देन यहाँ पर बिमस्टेक इज अ, है ना? बिमस्टेक क्या है? तो आपने पढ़ के रखा है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के रखा है कि बिमस्टेक क्या है। सो दिस इज अ रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो ये कहाँ पर होगा, है ना? तो ये रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है डन। देन नेक्स्ट आपको बोल के रखा है हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। तो सार्क के यहाँ पर वीरों का खून, याद है आपको? शार्क में वीरों का खून था, जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 देखा उनको ध्यान होगा कि शार्क में वीरों का खून था। तो इसका नाम, इनका आंसर है वीरा खून। देन तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट बोल के रखा है कि ICSI ने अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बनाया, यह भी आपने पढ़ा था। ICSI ने अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बनाया था? तो यह बनाया था आपके हैदराबाद में। मैंने आपका बनाया था कहाँ पर? तो हैदराबाद में, हैदराबाद, हैदराबाद इज हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है वेयर द ICSI सेंटर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज सिचुएटेड। तो ICSI का कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह वगैरह जो सेंटर है कहाँ पर है? तो यह नवी मुंबई में। ठीक है, तो यह है नवी मुंबई में, है ना? मैम का लिंक आ गया क्या? चलो चार चार क्वेश्चन और लास्ट, 160 तक आ जाते हैं, 160 तक करके रुकते हैं, है ना? 80-80 हो जाएंगे दोनों दिन के। देन नेक्स्ट, हु हैज ऑथर्ड द बुक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, है ना? ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किताब किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड आपने नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, है ना? तो यहाँ पर हु हैज ऑथर्ड द बुक, है ना, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन? तो ये है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर, है ना? इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं आपके इंदिरा नुई, है ना? इनकी ऑथर हैं इंदिरा नुई। कौन सी बुक है? माई लाइफ इज फुल वर्क फैमिली एंड आर फ्यूचर। ठीक है, देन इन विच ईयर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश। तो IBB कब बना था? तो 2016 में, है ना? IBB बना था 2016 में। ठीक है, एंड बस आपका लास्ट सवाल आज के लिए बचता है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीकिंग सस्टेन्स इकोनॉमिक ग्रोथ अमॉन्ग इट्स मेंबर्स कंट्रीज। तो इसका आंसर है ए। तो 160 का आंसर है आपका ए। ठीक है, डन, परफेक्ट है। चलिए भाई, तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? अब हम मुलाकात करेंगे कल 4:30 4:45 के बीच में।